changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Hello friends, my name is Sunita and I'm working as a research scholar at IIT Roppad. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल. बहुत टाइम से कैंपस से रिलेटेड कोई वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड नहीं किया है, क्योंकि लास्ट 10 days में मैं 1 week के लिए घर चली गई थी और उसके बाद मैं 2-3 दिन कुछ काम में बिजी हो गई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने का. पर आज मैं आपके लिए फुल कैंपस टूर वीडियो लेके आई हूँ. तो मैं इस वीडियो में आप तो कैंपस में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबका लोकेशन बताने वाली हूँ और उनका आउटर व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो चलो चलते हैं अभी मेन गेट की तरफ और वहाँ से शुरू करते हैं कि कैंपस में कहाँ पे क्या है. तो आप इस वीडियो पे बने रहे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल मिस IITN को सब्सक्राइब ज़रूर करना. तो यहाँ से IIT रोपड़ का मेन गेट स्टार्ट होता है. ये मेन गेट के सामने पार्क बना हुआ है जिसमें ये IIT रोपड़ का लोगो बना हुआ है और काफ़ी अच्छे से बना रखा है. ये सामने आपको 4 पिलर दिखाई दे रहे होंगे. तो मेन गेट की तरफ चलने से पहले आप ये देख लीजिए, देन फिर हम चलते हैं मेन गेट की तरफ. तो उसके बाद जैसे हम दूसरी साइड में आते हैं तो लोगों के दूसरी साइड में बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से IIT रोपड़ लिखा हुआ है, जैसा आप देख सकते हो. देन चलो चलते हैं मेन गेट की तरफ. सो जैसे हम मेन गेट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 गेट हैं, एक इन गेट है और एक आउट गेट है. सो जो इन गेट है उसकी तरफ भी 2 पिलर बने हुए हैं और जो आउट गेट है उसकी तरफ भी 2 पिलर बने हुए हैं. यहाँ पर जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं वो आउट गेट है एंड जो दूसरी साइड में जो इन गेट है उस गेट पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है वेलकम फ्रेशर्स, बिकॉज अभी जो फ्रेशर्स हैं वो लोग आए हैं तो उनके वेलकम के लिए लगाया गया था. जैसा आप देख सकते हो ये इन गेट पे लगा हुआ है वेलकम फ्रेशर्स. सो चलो चलते हैं इन गेट के अंदर और देखते हैं कि IIT कैंपस का जो मेन गेट है वहाँ से इनिशियली व्यू कैसा आता है. सो हम जैसे गेट के अंदर आते हैं तो जो व्यू है कुछ ऐसा दिखाई देता है जो मैंने आपको बाहर से भी दिखाया है. और सामने की तरफ एक पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा सा, जिसमें ये स्पाइरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी लगा हुआ है. सो चलो चलते हैं और इसको पास से देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लगता है पास से देखने पर. सो जैसे ही गेट में अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे ये IIT रोपड़ लिखा हुआ है. जैसे ही इन गेट में अंदर की तरफ चलते हैं तो आगे रेजिडेंशियल एरिया आता है, साथ में ही आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट भी आगे मैं दिखाऊंगी. तो इस सीक्वेंस में चलने पर पहले हम रेजिडेंशियल एरिया और कुछ डिपार्टमेंट्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम हॉस्टल एरिया, मेस एरिया, यूटिलिटी ब्लॉक उस डायरेक्शन को भी कवर करेंगे, LHC, लाइब्रेरी, जो सारी चीज़ें हैं वो बाद में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उन पर कुछ फुल वीडियो आपको दिए हुए हैं. तो फुल वीडियो आप वो देख सकते हो जाकर. बाकी आउटर व्यू मैं आपको दिखा दूंगी. जैसे ही हम पार्क वाले एरिया को क्रॉस करके आगे आते हैं तो यहाँ पर सामने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और रेजिडेंशियल एरिया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है वो हॉस्टल एरिया, मेस एरिया और मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये सब एरियाज हैं. तो सबसे पहले हम लोग चलकर जो रेजिडेंशियल एरिया और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसको कवर करते हैं.
तो सबसे पहले ये जेसी बोस ब्लॉक आता है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में रामानुजम ब्लॉक आता है, और रामानुजम ब्लॉक है वहाँ पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है जो आपको आगे दिखाई दे रहा होगा। I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up. जैसे ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एरिया कंप्लीट होता है, उसके आगे ये डायरेक्टर हाउस आता है सबसे पहले, और उसके बाद में फैकल्टी क्वार्टर्स हैं, और फैकल्टी क्वार्टर्स की एंड में गेस्ट हाउस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये फैकल्टी क्वार्टर्स थे सारे एक रो में, चार पांच रोज थी फैकल्टी क्वार्टर्स की, ये 3 BHK होते हैं आई थिंक सो। देन फिर हम लोग गेस्ट हाउस आ गए, मैंने सोचा क्यों नहीं आपको गेस्ट हाउस का भी थोड़ा सा मैं टूर दे दूं, इसके रूम वगैरह कैसे हैं, तो मैंने आपको एक रूम भी दिखाया है इसमें। आप देख सकते हो कि IIT रोपड़ है, उसके गेस्ट हाउस की रूम की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। इसके बाद मैंने आपको ये गेस्ट हाउस का रूम दिखाया है जो काफ़ी बड़ा था, और इसमें एक टेबल चेयर भी थी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में केटल भी वहाँ पे रखा हुआ था। इसके साथ ही रूम सेंट्रलाइज्ड AC था रूम में, और वॉशरूम भी काफ़ी साफ सुथरा था। सो उसके बाद मैं गेस्ट हाउस के बाहर आ गई, जो बालकनी वाला व्यू था वो दिखा रही हूँ मैं आपको, जहाँ से IIT का पूरा व्यू दिखता है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने पर। दूसरी साइड में सारे जो फैकल्टी क्वार्टर्स हैं वो भी दिखाई देते हैं यहाँ से। सो जैसे ही मैं वापस आ रही थी, तो जो डायरेक्टर हाउस और जो फैकल्टी क्वार्टर्स हैं, गेस्ट हाउस है, उसके बीच की रोड से जैसे ही नेक्स्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स आते हैं। तो स्टाफ क्वार्टर्स और फैकल्टी क्वार्टर्स के बीच में ये बच्चों के लिए प्लेग्राउंड टाइप का पार्क बना हुआ था, तो ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जस्ट पैरेलल आता है, जैसा आप सामने देख सकते हो वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। देन फिर उसके बाद स्टाफ क्वार्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सामने स्टाफ क्वार्टर्स हैं जो आप देख सकते हो, आई थिंक सो इनकी 3-4 रो हैं। तो ये स्टाफ क्वार्टर्स 2 BHK हैं, और जो फैकल्टी क्वार्टर्स हैं वो 3 BHK हैं आई थिंक सो। ये एरिया स्टाफ क्वार्टर्स का है, और जैसे ही एरिया एंड होता है तो लास्ट में 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट्स आते हैं जो पोस्टो के स्टूडेंट को दिए जाते हैं। सो चलो चलते हैं उधर। Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing. ये सामने जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सुपर एकेडमिक ब्लॉक है, इसमें जैसे जो डिपार्टमेंट अभी TC में रन हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये स्टाफ डिपार्टमेंट्स के बिल्कुल साथ वाले एरिया में ही है। और ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं जस्ट जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं उनके आगे। और इन स्टूडियो अपार्टमेंट से जस्ट आगे प्लेग्राउंड एरिया आ जाता है, जो आप देख सकते हो थोड़ा लाइटिंग वगैरह दिख रही होगी आपको, जो हम आगे चल के दिखाते हो। तो जैसे ही प्लेग्राउंड वाले एरिया में आते हैं, तो सबसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड आता है जो आप देख सकते हो। और ये सामने बास्केटबॉल ग्राउंड है, और ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, एंड अगेन आगे टेनिस ग्राउंड भी है।
जो मैं आपको पास से दिखाती हूँ बहुत। सो जैसे ही हम प्लेग्राउंड वाले एरिया से आगे जाते हैं तो केंद्रीय विद्यालय आईआईटी रोपड़ आता है। जो सामने आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये बिल्डिंग है वो स्कूल का बिल्डिंग है। साथ में ही कोई इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर जो आईआईटी रोपड़ का पार्ट नहीं है। सो हम जैसे ही केवी से आते हैं तो यहाँ पे भी एक आईआईटी का गेट है जिससे हम बाहर जा सकते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट्स को वहाँ से जाना अलाउड नहीं होता है। और आईआईटी रोपड़ में जो मेन बिल्डिंग है उससे राइट साइड का जो एरिया था, लाइक रेजिडेंशियल एरिया, क्वार्टर्स, गेस्ट हाउस, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, 1 BHK अपार्टमेंट्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड, केवी, ये ऑलमोस्ट एरिया था वो कवर हो चुका था। वहाँ पे मैंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था। देन फिर मैं वापस अपना जो एकेडमिक ब्लॉक है उसके सामने आ गई हूँ। सो ये एकेडमिक ब्लॉक है। अब हम एकेडमिक ब्लॉक से जब राइट साइड में जाते हैं और जब पीछे की साइड में जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या बना हुआ है मैं वो दिखाती हूँ अभी आपको। सो अभी आप ये देख सकते हो कि ये एकेडमिक ब्लॉक है जिसके एक तरफ है वो स्टूडेंट अफेयर सेक्शन है और दूसरी तरफ डायरेक्टर ऑफिसेस वगैरह हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये काफ़ी ग्लास का वॉल भी बना हुआ है जो बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको आपको जो सेकंड फ्लोर पे जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ से जाके भी आईआईटी का व्यू दिखाऊंगी। तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो जो फ्रंट गेट का व्यू है वो ऐसा दिखाई देता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने पर। और साथ में यहाँ पे मैं एक नाइट व्यू की क्लिप भी ऐड करूँगी क्योंकि नाइट में ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। जो लाइटिंग वगैरह के बाद में जो दिखाई देता है वो काफ़ी औसम दिखाई देता है। और जैसे ही हम बैक साइड में जाते हैं तो बैक साइड में ये लाइब्रेरी एरिया दिखाई देता है, सुपर एकेडमिक ब्लॉक भी दिखाई देता है, सामने LHC और हॉस्टल वगैरह भी दिखाई देते हैं। ये सुपर एकेडमिक ब्लॉक है, ये लाइब्रेरी का बैक एरिया है जहाँ पे ऑडिटोरियम वगैरह बना हुआ है। जैसे ही हम बैक डायरेक्शन से लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सुपर एकेडमिक ब्लॉक देखने के बाद फ्रंट डायरेक्शन से राइट साइड में चलते हैं तो सबसे पहले सतीश धवन ब्लॉक आता है, देन SS भटनागर ब्लॉक आता है। तो जो सतीश धवन ब्लॉक है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है एंड जो SS भटनागर ब्लॉक है वहाँ पे केमिस्ट्री और बायोमेडिकल डिपार्टमेंट रन होते हैं। तो आप उनका फ्रंट व्यू अभी देख सकते हो। I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making. मैकेनिकल और एडमिन ब्लॉक का जो पीछे वाला एरिया है वहां पर ये S राधाकृष्णन प्रेशर यानी कि LHC जो है वो बना हुआ है। ये जस्ट हमारा जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है उसकी पीछे की साइड में बना हुआ है। जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने आपको रोटेट करके दिखाया है कि जो LHC है वो अगर हम फ्रंट गेट से IIT रोपड़ में एंटर होते हैं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पीछे बना हुआ है। एंड जैसे ही हम इस LHC से आगे की तरफ निकलते हैं तो सामने मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट के लिए वर्कशॉप्स बने हुए हैं। वो यहीं से आगे चलने पर सेंट्रल लाइब्रेरी का एरिया आता है, तो चलो पहले वहाँ चलते हैं क्योंकि ये सिविल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वर्कशॉप्स हैं। साथ में रावी हॉस्टल एंड ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, पर पहले हम लोग
सेंट्रल लाइब्रेरी चल लेते हैं क्योंकि बहुत ही नियर बाई है यहाँ से, तो सामने आप देख पा रहे हैं। सो ये सेंट्रल लाइब्रेरी का फ्रंट व्यू है, साथ में ही यहाँ पे सुपर एकेडमिक ब्लॉक भी इसके साथ ही दिखता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और LHC से राइट डायरेक्शन में आने पर ये सामने यूटिलिटी ब्लॉक का एरिया आता है, देन फिर उसके बाद हॉस्टल्स एरिया वगैरह आते हैं। तो चलो चलते हैं यूटिलिटी ब्लॉक। और ये यूटिलिटी ब्लॉक की बैक साइड है, और जब फ्रंट साइड में जाते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये यूटिलिटी ब्लॉक की फ्रंट साइड है, साथ में यहाँ पर रावी हॉस्टल, कॉफ़ी डे, मैगी पॉइंट और कैफेटेरिया सब दिखाई देते हैं। सामने सतलुज हॉस्टल भी दिखाई देता है। कॉफ़ी डे से जैसे ही हम मेस वाले एरिया की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे एक बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, आगे वॉलीबॉल ग्राउंड भी है। तो यहाँ पे भी मतलब कुछ प्लेग्राउंड्स हैं, जैसा मैंने आपको स्पोर्ट्स एरिया दिखाया था वहाँ पे भी हैं। और ये मेस एरिया है, और जो मेस एरिया का जो हॉल है उसका नाम अन्नपूर्णा हॉल है। तो जैसे ही हम अन्नपूर्णा हॉल से आगे की तरफ चलते हैं तो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल आता है। तो ये जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका एंट्रेंस गेट है, और इसमें पीछे की गर्ल्स हॉस्टल के पीछे की तरफ जाने पर बॉयज़ हॉस्टल का एंट्रेंस गेट आता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों हॉस्टल का नाम ब्रह्मपुत्र हॉस्टल है, और दोनों हॉस्टल IIT के सबसे न्यू हॉस्टल हैं अभी। और ये सामने जो आप हॉस्टल देख पा रहे हैं वो चनाब हॉस्टल है, देन फिर ये व्यास हॉस्टल का एरिया है। व्यास हॉस्टल के बाद में ये सतलुज हॉस्टल आता है, और सतलुज हॉस्टल यूटिलिटी ब्लॉक की तरफ से जाने पर सबसे पहला हॉस्टल आता है। तो जैसे ही हम सतलुज हॉस्टल को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद यूटिलिटी ब्लॉक का एरिया आ जाता है, और साथ में ही मैं आपको बस स्टैंड का एरिया भी दिखाती हूँ, क्योंकि जो सतलुज हॉस्टल है उससे और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच का जो एरिया है वहाँ पे बस स्टैंड है, वहाँ पे IIT की बस खड़ी होती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ आउटर व्यू दिया है, लोकेशन के बारे में बताया है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, हॉस्टल्स कहाँ पे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको कुछ डिपार्टमेंट्स का फुल वीडियो चाहिए लाइक CSE इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का फुल वीडियो भी दिया हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी का भी फुल वीडियो है वहाँ पे, LHC का भी है, हॉस्टल से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, यूटिलिटी से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। सो आप वहाँ जाके इनका फुल ट्यूर वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।